हाय, तो छुपते छुपाते पुलिस से बचते बचते आपका क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। नाउ यहां पे एंटीसिपेटरी बेल कैसा होता है इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। मैं नॉन अवेलेबल में भी आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लिया जाता है, येट आई रिपीट इट। एंटीसिपेटरी बेल लेने से पहला आपको, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना है, दैट इज द बेल एप्लीकेशन एंड द बेल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशंस जहां पे फाइल किए थे और रिजेक्ट हुआ था, और वो एफआईआर का कॉपी एंड द एग्जिबिट्स जो जो रिलाय हुआ था, एंड हाई कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशंस आपने फाइल किए थे एंड उसका जो बेल ऑर्डर है विच हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपका क्लाइंट को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। नाउ यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ले डाउन फॉर्मेट्स है और ले डाउन प्रोसीजर्स है और गाइडलाइंस है जिस हिसाब से एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे एज एन एडवोकेट, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो और डायरेक्टली आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यू कैनॉट फाइल एनी पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पर्सनली। आपको वहां पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि वहां पे जितने भी वकील प्रैक्टिस करते हैं उनसे ही नहीं, जो वकील प्रैक्टिस करता है लेकिन वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर है उसका ही वकालतनामा चलता है फाइलिंग के लिए। सो यू नीड टू अप्रोच एडवोकेट हु इज ऑन रिकॉर्ड, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का वकालतनामा लेना चाहिए और उनको अप्रोच करने के बाद में आपका क्लाइंट जो है कि उनका वकालतनामा में साइन करेंगे। यू आर नॉट साइनिंग एनी वकालतनामा, आप वकालतनामा साइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही साइन कर रहे हैं, योर सिग्नेचर इज नॉट एप्लीकेबल देयर। तो वो वकालतनामा में साइन लेगा, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन को उस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मेट है उस हिसाब से वो बनाएगा। सेशंस कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स किस तरह से हुआ था उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रीटाइप करके वो एग्जिबिट बनाएंगे, और हाई कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रीटाइप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में जितने भी हैं वहाँ पे जेरोक्स चलता रही है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन ओरिजिनल। सो वॉट एवर द बेल एप्लीकेशन, जो भी एग्जिबिट्स आप लगाएंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, बेल ऑर्डर या बेल एप्लीकेशन या एफआईआर वगैरह जो भी है, आपको रीटाइप करना पड़ता है। रीटाइप करके ओरिजिनल कॉपी के हिसाब से देना पड़ता है वहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल जेरोक्स चलता नहीं है। सो यू हैव टू रीटाइप ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू सबमिट इट। तो सबमिट करने के बाद में देयर आर प्रेजेंट कॉपीज जो है उसके साथ में अराउंड ओवर 10 कॉपीज है, यू हैव टू फाइल बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में डेट मिल जाएगा, डेट मिलने के बाद में देन अगेन यू कैन गो फॉर द आर्ग्यूमेंट। अब वहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आइदर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो आर्ग्यू कर सकता है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आप आर्ग्यू कर सकते हैं। You can argue the case on behalf of the, not of, on behalf of your client, on behalf of your advocate under court. उनके बिहाफ में आप आर्ग्यू कर सकते हैं। अब वहाँ पे आर्ग्यू करना है एंड I'll give a idea of argument also. वहाँ पे क्या है, नॉर्मल हाई कोर्ट्स के जैसे और लोअर कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस के जैसे नहीं है कि आप 10-10 15-15 मिनट 20 मिनट तक आप पेपर छानते रहेंगे और देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे आराम से ढूंढेंगे, कि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मुश्किल से एक मिनट या आधा सेकंड मिलता है, उसके अंदर ही आपको पूरा आपका जो ग्राउंड्स है और जो आपका स्टोरी है, जो आपका डिफेंस है, जो आपका ग्राउंड्स है, वो सब चीज़ें आपको उधर एक्सप्लेन करना है विद इमीजिएटली। एंड इफ यू आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड एनर्जेटिक और आपके पास वो स्किल है जो इमीजिएटली विद इन 1 मिनट आप अगर ऑनरेबल कोर्ट को अगर कन्विंस कर सकें तो बेल आपको मिल जाएगा, अदरवाइज द ऑनरेबल कोर्ट विल नॉट अंडरस्टैंड और इमीजिएटली विद इन सेकेंड्स आपका रिजेक्ट हो सकता है। सो नॉर्मली इट इज सजेस्टेड दैट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं वो लोग दे आर प्रैक्टिसिंग देयर, दे नो एवरीथिंग, तो वो लोग ही करते हैं। बट इफ यू आर वेरी स्किल्ड यू कैन गो फॉर इट और आप कर सकते हैं।
सो आर्ग्यूमेंट करते हैं वहां पे पीपी इमीडिएटली उधर से लेके खड़ा हो जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है वो भी प्रेजेंट रहता है ऑन द स्पॉट ही वहीं पे ही डिसाइड होता है वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इंटरिम रिलीफ का एक प्रोविजन है तो हो सकता है कि इंटरिम रिलीफ मिले बट 90% इंटरिम रिलीफ वहां पे मिलता नहीं है वहीं पे सीधा डिस्पोजल पे बात आ जाती है. आइदर यू गेट दी पे और इट विल बी रिजेक्टेड और इन देयर अरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको इंटरिम रिलीफ मिलता है. सो जब एंटीसिपेटरी बेल मिल गया एबीए मिल गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से देन इट्स वेरी गुड तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सो देन यू अप्लाई फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी. सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के बाद में आप उसको लीजिए और वहाँ से फिर आप सीधा अपना घर में आ जाइए. द वेरी नेक्स्ट डे यू गो विद योर लॉयर या फिर लॉयर आपको बुलाकर लेके जाएगा वही पुलिस स्टेशन में जहाँ पे एफआईआर है एंड यू प्रोड्यूस योर सेल्फ अलॉन्ग विद द श्योरिटी. उसमें जो श्योरिटी लिखा है श्योरिटी का अमाउंट जो लिखा है 10,000 15,000 20,000 या लाख रुपये जो भी लिखा है उस हिसाब से जो श्योरिटी है दो एक श्योरिटी या दो श्योरिटी को लेकर आप जाइए विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द श्योरिटी. अरे वो ड्राइविंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है रेजिडेंशियल प्रूफ जो है सैलरी प्रूफ जो है श्योरिटी का वो सब कुछ लेकर आप जाइए उधर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलिए तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स एंड ही विल कंप्लाई विद द बेल ऑर्डर और आपको एंटीसिपेटरी बेल कंफर्म कर देगा. फिर आपको बोलेंगे कि ठीक है नाउ यू आर एंटीसिपेट बेल हो गया. जिस दिन हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे यू ऑर्डर कम टू द कोर्ट. लेकिन इनकेस ऑफ नेगेटिव अगर नेगेटिव चीज हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है तो आपके दिमाग में दिल में जहन में यही बात आएगा कि बाबा इतना पैसा खर्चा किया अच्छे से अच्छा वकील किया इतना वकील का फीस दिया इतना टाइम वेस्ट हुआ इतना टेंशन में रहा और यहाँ से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बिल जाकर भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला तब इसके बाद में क्या. उसके बाद में कुछ भी नहीं है. देर इज नो ऑप्शन देर कोई प्रोविजन नहीं है कानून में सिर्फ एक ही है आपको सरेंडर करना है. यू हैव टू सरेंडर बिफोर द पुलिस. अरे जिस चीज से आप डर रहे थे कि आप अरेस्ट हो जाएंगे जिस चीज से आप अप्रीहेंड कर रहे थे कि आप अरेस्ट हो जाएंगे वो प्रैक्टिकली हो जाएगा. आपको पर्सनली जाकर उसी पुलिस स्टेशन में उसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जाकर सरेंडर करना है और कहना है कि आई एम सरेंडरिंग कि एंटीसिपेटरी बेल मेरा मैं रिजेक्ट हो गया आई एम सरेंडरिंग आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए एंड देन द आईओ विल प्रोड्यूस यू टू द लोअर कोर्ट और उसके बाद में यू विल बी ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर बेल. फिर आप रेगुलर बेल के लिए एंटाइटल हो जाएंगे और उसको अप्लाई करिए और बेल लीजिए. सो दिस इज व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन.